बिहार में चुनाव है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच चुनाव के प्रचार मैदान में चिराग पासवान कूदते ही नीतीश पर हमलावर हो गए हैं। 22 अक्टूबर को सुबह ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ ट्वीट करके नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय में हुए घोटालों में नीतीश बुरी तरह से फंसे हुए हैं। चुनाव के बाद सरकार आते ही इन घोटालों की जांच करवाऊंगा और दोषियों को जेल भेजूंगा। वहीं उन्होंने दूसरे ट्वीट में बताया कि प्रदेश में ईमानदार सरकार का होना बहुत ही जरूरी होता है। आप सभी के आशीर्वाद से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए निकल पड़ा हूँ। कई सारे नए संकल्प के साथ जुड़कर युवा बिहार नया बिहार बनाने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की है कि आने वाले 20 दिन सिर्फ बिहार के बदलाव के लिए काम करें, ताकि हम सभी अपने बेहतर कल को सुनिश्चित कर सकें। लोजपा प्रत्याशी मेरे प्रत्याशी हैं, आप सभी का एक एक वोट सीधा मुझे मिलेगा। #असंभव नीतीश कुमार।